केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टरों पर थोपे जा रहे नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का विरोध करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अमृतसर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक उप्पल की अगुवाई में श्री हरिमंदर साहिब में नमस्तक होने के बाद झंडी देकर बारह यात्रा शुरू की। इस यात्रा को शुरू करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविवान खेड़कर ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रावधान लिखे गए हैं वे डॉक्टर और मरीज में दूरी पैदा कर देंगे और आने वाले दिनों में इलाज भी बहुत महंगा हो जाएगा। वहीं उन्होंने इस बिल को राज्य एवं सरकारों पे हनन करने वाला बिल बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से वैदिक शिक्षा स्तर घटेगा और वैदिक शिक्षा महंगी होगी। उन्होंने कहा कि यह भारत यात्रा 25 मार्च को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में पहुंचेगी, जहां पर डॉक्टरों की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर में डॉक्टर एवं छात्र इस बिल के खिलाफ भाग लेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो देश के डॉक्टरों की सबसे बड़ी संगठन है और हम देश के आम नागरिक के हित, स्वास्थ्य के हित की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सरकार की कुछ खराब नीतियों की वजह से इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाने वाली है। जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल सरकार लाने की मंशा रखती है, ये एक जनविरोधी बिल है, एक अलोकतांत्रिक बिल है। इससे वैद्यकीय शिक्षा का स्तर घटेगा, वैद्यकीय शिक्षा महंगी होगी। ये राज्यों सरकारों के अधिकारों पर हनन करने वाला बिल है, ये छात्र विरोधी बिल है। इसीलिए इस साइकिल यात्रा के द्वारा जन जागृति करते हुए भारत के चारों कोनों से हमारे साइकिल चलाते हुए डॉक्टर नई दिल्ली 25 मार्च को महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और 25 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली, यहां डॉक्टरों की सबसे बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जहां हमारी अपेक्षा है कि 20 से 25 हज़ार डॉक्टर मिलकर फैसला करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी और ये आंदोलन की दशा और दिशा तय की जाएगी। इतने कार्यक्रम के यही असं गवर्नमेंट को स्ट्रेस करना चाहते हैं कि ये जो बिल है ये गलत है, इस बिल में हर चीज़ की यदि वापस ली जाए और यहोजियां क्लास लिया जान कि जिदे नाल साडे स्टूडेंट्स नू और साडे स्टूडेंट्स दे पेरेंट्स नू और साडे लोगों नू फायदा होवे। अमृतसर से सनी मेहरा, जीवे पंजाब टीवी।